it to the health authorities. उसने उसको मैनेजर को ये तड़ी लगा दी ज़रा कि भाई इस होटल के किचन में बहुत सारे जो हैं चूहे पाए जाते हैं, और अगर उसने अथॉरिटीज़ को बता दिया तो बहुत नुकसान होगा होटल को, लिहाजा इस खौफ से वो उसको ज़रा थ्रेटन करती है, वॉर्न्स करती है मैनेजर को, ग्रैंड मा. वट मेड द बॉय कॉन्फिडेंट दैट ही हैड फाउंड गुड प्लेस टू ट्रेन हिज माइस. तो उसे लड़का जो है वो बड़े एतमाद के साथ कौन सी ऐसी जगह उसे मिलती है ताकि वो माइस को ट्रेन कर सके. द क्लियरनेस ऑफ द बॉल रूम मेड द बॉय कॉन्फिडेंट. वो रूम उसे एक नज़र आता है जहाँ पर बॉल रूम कहते हैं, जहाँ पर रक्स किया जाता है पार्टीज़ की शक्ल में, तो ये वहाँ का कल्चर है. एनीवे, तो वो उसको एक कमरा नज़र आता है जहाँ पर कॉन्फ्रेंसिस भी होती थी, मैंने आपको बताया रॉयल चैम्बर था वो, और लड़का वहाँ मेरे कॉन्फिडेंटली चला जाता है. और ही फाउंड गुड प्लेस टू ट्रेन हिज माइस. वो समझता है ये चूहों को ट्रेनिंग देने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, और वो चाहता भी था कोई ऐसी सीक्रेट जगह मिल जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी ही थॉट द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन वुड नॉट ऑब्जेक्ट ऑन हिज यूजिंग द प्लेस टू ट्रेन हिज माइस. अब चूंकि वो सारे के सारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी वो बच्चों ही के लिए बनी थी कि उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए, तो बच्चे ने ये भी आइडिया ले लिया कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो नोबडी वुड हर्ट हिम, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई भी वो नहीं दे सकेगा, किसी किस्म का थ्रेटन नहीं कर सकेगा, वॉर्न नहीं कर सकेगा, बुली नहीं कर सकेगा, लाइक दैट. सो इसलिए वो इसका आंसर है, आप ध्यान में रखें, उसे उस रॉयल चैम्बर में जाकर समझ आती है कि भाई मैं वहाँ बॉल रूम के अंदर ये सारा काम कर लूँ. दीज आर द सम आंसर्स, डोंट फॉरगेट, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि बार बार आप उस क्लियर हो जाए. वीडियो वॉच कीजिए और ताकि इतना वॉच करें कि आपको आसानी से ये याद हो जाए. कुछ मीनिंग्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये अक्सर एग्ज़ाम में भी हमसे पूछे जाते हैं, इनके जुमले बनाने होते हैं, तो यू हैव टू फोकस दीज मीनिंग्स. पहला वर्ड है साइडल्ड, पास्ट में है, ये ध्यान रखा करें सेंटेंस बनाते हुए, जिस वक्त जिस तरह जिस शेप में आपको दिया जाता है जुमला उसी शेप में आप वर्ड को इस्तेमाल करना सीखें. अक्सर बच्चे उसको किसी और फॉर्म में ले जाते हैं, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है. तो अब जिस तरह ये पास्ट टेंस में आपको दिया हुआ है साइडल्ड है, तो आप इसे साइडल्ड केस में इस्तेमाल करेंगे. वो कोई इशू नहीं है कि प्रेजेंट में आ जाए, फ्यूचर में आ जाए, पास्ट में आ जाए, लेकिन वो जो वर्ब है वो पास्ट में ही आएगा. तो साइडल का मतलब होता है किसी चीज़ का, यानी चुपके चुपके से किनारे किनारे से होकर आ जाना, जैसे कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हो किनारे किनारे के दीवारों से लग कर, तो उसे हम कहते हैं साइडल्ड. स्कटलिंग का मतलब होता है बहुत बिखरे हुए होना, फैले हुए होना, जैसे बहुत सारी मछलियाँ एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, स्कटलिंग हो जाती हैं, अराउंड स्कटल अराउंड हो जाती हैं, उस सेंस में हम स्कटलिंग कहते हैं, बिखरना बिखेरना. स्क्रैबल जो है ये उंगली से किसी चीज़ को कुरेदना होता है, या फिर एक गेम भी होती है स्क्रैबल, जिससे इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं. और आजकल इस क्वारंटाइन में ये बहुत अच्छी गेम है बच्चों के लिए, जिससे इंग्लिश बच्चे सीख सकते हैं. तो ट्राई करें, ये बाज़ार से मार्केट से एक गेम लें, स्क्रैबल के नाम से है, आप वहाँ उसे कहेंगे शॉपकीपर को स्क्रैबल तो वो उसे मालूम है डेफिनेटली, तो अगर तो अवेलेबल हुई तो आप ये गेम वहाँ से लें. गेम खेलिए, इससे आपके वोकैबलरी में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि वहाँ नए नए वर्ड्स बनाने होते हैं, फिर वो वर्ड्स के मार्क्स मिलते हैं, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे वो जीतता है. तो ये चार प्लेयर्स की गेम है, यू मस्ट ट्राई एट होम. ये दिस इज़ हाई टाइम, बिकॉज नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं क्रिएटिविटी के लिए, टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम टू पास करना. तो लाइक दिस यू हैव टू प्ले दिस गेम टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. इट इज़ नॉट ओनली अ गेम, इट्स अ वे टू इम्प्रूव टू योर वोकैबलरी स्टफ. सो नेक्स्ट वर्ड इज वीव. वीव कहते हैं बुनना, जैसे कि कपड़े बुनने वाली मशीन जो लगी होती है फैक्ट्रीज में, या ये जो हम स्वेटर बुनते हैं उसे भी एक तो निटिंग कहते हैं, लेकिन वीविंग होता है जब बारीक काम, चादर तैयार करना या कपड़ा तैयार करना, उस मशीनी लिहाज से वीविंग होती है वो. स्टैम्पीड का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा खौफ से इधर उधर भागना, जैसे बहुत सारे जानवर खड़े हों और एकदम कोई शिकारी आ जाए तो वो एकदम भागना शुरू कर देंगे.
वो ये नहीं देखेंगे कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस चीज़ को, एक्शन को कहते हैं स्टैम्पीड। तो आप इसको ध्यान में रखें और प्रैक्टिस कीजिए जुमले में इस्तेमाल करने की। सो ओके बाय, हैव गुड लक, विश यू गुड लक।